बिहार की राजनीति में ताबड़तोड़ इस्तीफों के बाद मची राजनीतिक हलचल अब जुबानी जंग में बदल चुकी है। नीतीश सरकार के कई मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और आरजेडी ने तो सीधे सीधे अपने बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह को ही किनारे लगाने का मन बना लिया है। लेकिन पिता के लगातार अपमान से आहत आखिरकार इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का सब्र भी जवाब दे गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को तानाशाह बताते हुए कह दिया कि उनके मंत्रियों की हैसियत चपरासी की है। कैमूर में एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने खुले मंच से नीतीश कुमार को तानाशाह कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री की हैसियत चपरासी की है, वो सिर्फ मुहर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर करारा प्रहार किया और कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए बेचैन है। दरअसल इस्तीफा देने के बाद से सुधाकर सिंह चुप थे, लेकिन उनके पिता और आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे थे। यही नहीं, आरजेडी ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी जगदानंद सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद सुधाकर सिंह ने आरजेडी को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से काफी खफा नजर आए। दरअसल सरकार में सुधाकर सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिल्कुल भी जम नहीं रही थी, इसीलिए उनके बयानों के बाद नीतीश ने दबाव बनाकर उनका इस्तीफा ले लिया। और अब कैमूर के चैनपुर में एक जनसभा में सुधाकर सिंह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को टारगेट किया है। उन्होंने दावा किया कि 17 सालों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल के मंत्री सिर्फ रबर स्टाम्प हैं, कागजों में भले ही मंत्री हों मगर उनकी हैसियत चपरासी की होती है। मंत्री को जो फाइल दी जाती है उस पर दस्तखत कर देते हैं कि कहीं उनका मास्टर नाराज ना हो जाए। सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, सीएम नहीं बनने से उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। नाम लिए बगैर सुधाकर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री पद से होकर ही जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो ताकि स्वर्ग में जगह मिल जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे। उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए कहा था कि विभाग के सभी पदाधिकारी चोर हैं और मंत्री होने के नाते वे खुद चोरों के सरदार हैं। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के कृषि रोडमैप पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि किसानों के हित में कुछ नहीं हुआ। जदयू नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के बावजूद सुधाकर सिंह अपने स्टैंड पर कायम रहे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।